जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, एक नई वीडियो, एक नए दिन की शुरुआत। आज है 30 तारीख और ये है शिव चौक, मुजफ्फरनगर का शिव चौक। और यहाँ देखें आप कांवड़ियों का रेला। हर कांवड़िए का सपना होता है, हर कांवड़िए का सपना होता है कि मैं हरिद्वार से, हर की पैड़ी से गंगा जल भर के चलूँ। तो शिव चौक की परिक्रमा सबसे पहले जितनी जल्दी से जल्दी कर सकूँ, ये हर कांवड़िए का सपना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इधर की अगर मैं बात करूँ तो रेला लगा हुआ, लाइन जबरदस्त तरीके से लगी हुई, पूरी लाइन लगी हुई है इधर। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो हर कांवड़िए का अपना एक सपना होता है कि भाई मैं शिव चौक की परिक्रमा कर पाऊँ और उसके बाद अपनी अपनी मंजिल पर बढ़ जाऊँ। तो कलश कांवड़ वाले भी और कंधा कांवड़ वाले भी देख सकते हैं, सब लोगों ने लाइन लगा कर परिक्रमा कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं और ऐसे परिक्रमा करते हुए यहीं से वापसी आ रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ जमघट लग जाता है, क्योंकि जो परिक्रमा करके आया उसको निकलना भी है और जो इधर से आया उसे लाइन में घुसना भी है। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी ये शिव चौक है आपका। और रात के टाइम यहाँ का नज़ारा जन्नत आ जाती है। यहाँ पर रात को जब बड़ी बड़ी झांकी वाली कांवड़ आती है ना, तो ये, और अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो मैं वहाँ बैठा था जहाँ वो वॉच टावर है, पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ बैठा था और वहाँ 3 से 4 घंटे में बैठा रहा था ऊपर ही ऊपर, वहीं पर ही। तो वहाँ से मैंने पूरा फिल्माया था और आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार किया था, 2.5 लाख 3-3 लाख पे गई हुई है वो वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं उनको भी। और मैं यहाँ की बात करूँ तो ये अपना शिव चौक है, ये शिव चौक है अपना, भोलेनाथ बैठ विराजमान है सामने। और कांवड़ियों का रेला देख सकते हैं और यहाँ मैनेजमेंट संभालने के लिए देखिए, चलिए बोले चलिए बोले चलिए, और हर आदमी आस्था के साथ, बहुत आस्था के साथ यहाँ पर मत्था टेकता, जल भी चढ़ाता है। हाँ, मेरे याद है जब हम आए थे तो हमने यहाँ पर जल भी चढ़ाया था जब हम कांवड़ लेके आए थे। अब तो भोलेनाथ को शीशे के अंदर पैक कर दिया गया, जिससे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं सीध देसी भाषा में कहूँ वो आस्था है, ये मेरठ को जा रहा है, ये वाला मेरठ को जा रहा, इधर हरियाणा शामली वगैरह वाले थे, इधर को मेरठ वाले। हाँ, तो रेला लगा हुआ दोस्तों, शिव चौक का माहौल एट प्रेजेंट की बात करूँ तो ये देखो भीड़ बढ़ चुकी है, भीड़ पूरी बढ़ चुकी है शिव चौक पर, पूरा क्राउड है, पूरा जबरदस्त क्राउड है। तो ये मैं हूँ शिव चौक पे और आप देखा शिव चौक की इस टाइम शिव चौक का माहौल पूरा भक्ति में हूँ। राम राम भैया, राम राम। कहाँ पे कलेश के लिए बुलाया था आपको, वही बादराबाद में। भाई तुम समझ सकते हो इस टाइम कितनी बुरी हालत है, हर जगह पहुँचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, माफी चाहूंगा उसके लिए। सार्जन पीछे, हाँ, एक अकेली जान कहाँ कहाँ पहुँचूँ। हाँ, मैं वीडियो तो मैंने भी देखी भाई, मैं तो यहाँ था रात, आप नहीं आए थे कल। हाँ, तो नहीं होना चाहिए, मैं फिर कहूँ, भाई कह रहे कि पथरा हुआ, हमने भी वीडियो देखी उसमें पता लगा। हाँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ नहीं होना चाहिए, माहौल को शांति से बना लेना चाहिए, शांति। कुछ हो गया उन घटनाओं को भूल जाना चाहिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भूल जाना चाहिए घटनाओं को, आगे माहौल ठीक रखो, बस इस पे चलो यार, बोले सब लोग, सब भाई भाई हैं। बाकी शिव चौक है, यहाँ की बात करते हैं हम, और ट्रैक्टर भी परिक्रमा ले रहा है। और ये शिव चौक और यहाँ पूरा का पूरा मैनेजमेंट चल रहा है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट कि जाम ना लगे, पुलिस प्रशासन भी और लोकल प्रशासन भी ये है कि जाम ना लगे। बोले कुछ लोग, बोले मैं देख रहा हूँ कि सीधे बढ़ रहे हैं, वो परिक्रमा नहीं ले रहे हैं, बाकी जो लोग जानते हैं, हाँ, पहले से पुराने कांवड़िए वो यहाँ के शिव चौक की परिक्रमा लेकर ही आगे बढ़ते हैं। पूरा महादेव के लिए भी आगे से भी कट जाएगा, वो कहा है केस वाले, कहा है केस प्रधान, पीछे आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ का एट प्रेजेंट ये माहौल है शिव चौक का। शिव चौक मुजफ्फरनगर एक ऐतिहासिक जगह है। और पूरा का पूरा भक्ति में माहौल है। चलिए चलिए, जय भोले की, चलते रहो। पूरी लाइन लगी हुई है, ध्वज कावड़ देखो बजरंग दल वालों का, जय श्री हनुमान। और कोई कैन, कितनी कैन है, छोटी छोटी कैन है, कोई 108 लेके चलता है, कोई कितने, जिसकी जितनी कैपेसिटी, कोई अपना जल अपने कंधों पे, कोई अपने छाते पे बांध के पिट्ठू बैग, हाँ, कोई कंधे पे, ये तोते अकरे शुरू से है, ये वाला तोता हमेशा रहता कावड़ में, नाक काले रंग का नाक और हरा तोता। तो ये शिव चौक का माहौल है एट प्रेजेंट की बात करूँ तो, ये शिव चौक का यहाँ माहौल है। और पुलिस प्रशासन, जैसे मैं कह रहा हूँ, पसीने पसीने तर है लेकिन माहौल बनाने में है। और ये वॉच टावर, जैसे मैं बता चुका, यहाँ से निगरानी रखी जा रही है, कावड़ कंट्रोल रूम खोया पाया केंद्र भी यहीं पर है। और ये मेरठ को रास्ता जाता है, आगे जाके पूरा अरनावली कोठी होता है उसमें से कट भी जाता है, पूरा महादेव जाने वाले वो नहर पड़ती है, उसकी पटरी पटरी निकल जाते हैं।
कुछ लोग इधर से भी निकल जाते हैं, इधर से शामली वाले निकल जाते हैं, हरियाणा वाले निकल जाते हैं इधर से जिन लोगों को जाना। और ये पूरा का पूरा माहौल, मैं भी एक परिक्रमा लगा देता हूँ, मैं भी एक परिक्रमा लगा देता हूँ शिव चौक की। तो ये देखिए शिव चौक, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। तो हम भी लगा लेते हैं परिक्रमा, जय हो, जय भोले, जय भोले, जय भोले। जो बाइक पे हैं वो बाइक से ही परिक्रमा कर रहे हैं, जो पैदल है वो पैदल से परिक्रमा कर रहे हैं, जो कंधे कावड़ है वो कंधे कावड़ लेके, और जो कलश वाले वो कलश कावड़ लिए। आप देख सकते हैं जो अपना सामान लेके सब, क्योंकि मैंने बताया ना ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, सब लोग परिक्रमा करना चाहते हैं। पहले यहाँ जल चढ़ता था खूब, लेकिन इस बार जल नहीं चढ़ रहा है क्योंकि सब लोग पैक करके लाते हैं। बिल्कुल पहले क्या होता था, कावड़ में शीशियाँ आती थी, कांच की बोतलें आती थी या वैसे आते थे, तो उसमें से निकाल निकाल के लोग बाग जल चढ़ाते थे। तो हमारी भी परिक्रमा हो गई एक, जय बोले की, जय बोले। साइड में, 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 साइड में। तो हमारी भी परिक्रमा हो गई है भाई। देखो पसीने में तरबतर है, बिल्कुल तरबतर है, चूरा पसीना, क्योंकि सूरज जो मैं दिखा रहा हूँ ना पूरा टटरी पे ऊपर और जबरदस्त पड़ रहा है। हालत देखो पसीने में तरबतर, उधर पुलिस वाले को भी हालत देखो, पूरे तकिए पूछे जा रहे हैं। ये गर्मी का ही प्रकोप है कि देखो अंगोछा डाल रखा सर पे, सबकी श्रद्धा भक्ति देख सकते हैं, सब लोग श्रद्धा भक्ति, और मैं जैसे दिखा रहा हूँ पसीने में तर बता रहे भाई पुलिस प्रशासन के, पूरा का पूरा जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, जबरदस्त। लोकल लोकल पब्लिक भी अपना हाथ जोड़ते हुए जा रही है। क्या भाई ने स्कूटर बढ़िया बना रखा है, फर्स्ट क्लास म्यूजिक सिस्टम लगा करके। तो रेला खत्म नहीं हो रहा है, जय भोले, जय भोले। मेरठ, मेरठ ये सीधे वाला रास्ता, मेरठ जा रहा सीधा, मेरठ दिल्ली भी सीधा, बिल्कुल कहीं नहीं मुड़ना। ये देखो परिक्रमा अपने एक्टिवा से ही लगा रहे लोग। ये भाई को देखो डांस कर रहे हैं, और कावड़े बड़ी बड़ी कावड़, म्यूजिक वाली कावड़, ये पूरा का पूरा। गजब, क्या बोलेगी। क्या नजारा, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। सिर चौक पे तो मैं पूरा पूरा ब्लॉग दिखा रहा हूँ आपको सिर चौक का। और दोस्तों कुछ स्काउट गाइड भी आए हुए हैं, मैनेजमेंट ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के, चलो चलो चलो। ये देखो यहाँ पर स्काउट गाइड भी लगे हुए मैनेजमेंट करने के लिए। हाँ इधर खड़े हैं, ये खड़े हैं कि चलो चलो, और साथ में आए हुए मार्शल भी है कि चलो 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 चलो। पूरा का पूरा मैनेजमेंट संभला, क्योंकि सिर्फ चौक एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बुरा काम हो जाता भीड़ का। तो हरियाणा वाले, बागपत वाले, शामली वाले इस तरफ से कट जाते हैं, और मेरठ दिल्ली जाने वाले ये रास्ते से इस तरफ से चले जाते हैं। पूरा महादेव वाले भी आगे जाके कट जाते हैं, कुछ लोग इधर से भी चले जाते हैं पूरा महादेव, सबका अपना अपना रास्ता है। तो ये पूरे के पूरे देख सकते हैं, ये हरियाणा और बागपत के साइड, शामली के साइड वाले हैं ये जो इस तरफ को जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा रश है, पूरा इस टाइम बात करो तो पूरा रश है, पूरा। तो ये है सिर्फ चौक, और आजकल भोलेनाथ का ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ज्यादा लोग बाग अपने कंधे पे भोलेनाथ जी को लेके आ रहे हैं। भोलेनाथ, भोलेनाथ के दरबार पे आ गए, भोलेनाथ, भोलेनाथ के दरबार पे आ गए।